जी अस्सलाम वालेकुम वैस भाई, मैं अज़र महमूद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा ये सवाल है कि ये जो इमाम मेहदी की क़यादत में जो जंगें लड़ी जाएंगी, ये सालों में पर मुहित होंगी, सालों लड़ी जाएंगी या चंद महीनों की बात होगी, इनका दुरानिया क्या होगा? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अज़र भाई, बहुत अच्छा आपका सवाल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरअसल असल में आजकल काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि अफवाहों पे हम लोग चीज़ों को बेस कर रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातें चल रही हैं कि ग़ज़वा हिंद 6 साल तक चलेगी, इसी तरह जो मलहमतुल कुबरा है उसके बारे में भी लोग मुख्तलिफ अपनी अपनी आरा देते रहते हैं। लेकिन जो अहादीस से मुबारक हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के जो चीज़ें हमें बताई हैं उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो ये वाज़े होता है कि ये बहुत तवील नहीं चल सकती जंगें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो प्री कॉन्टेक्स्ट है इन जंगों का वो तवील हो सकता है। मिसाल के तौर पर ग़ज़वा हिंद की जो बिशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो पहला रेड किया था उस वक्त से ही उसका आगाज़ हो गया और अल्लाह ताला उन सबको उस अजर में शामिल फरमाए। कई 100 साल इस बात को गुजर गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल इवेंट है, एक्चुअल जंग है, वो इतनी तवील नहीं हो सकती, क्योंकि जो इमामुल महदी अलैहिर्रहमा हैं, इमामुल महदी अलैहिस्सलाम हैं, उनकी जो कुल हुकूमत का दौरानिया होगा वो होगा 7 या 9 साल अहादीस मुबारक के मुताबिक। तो अगर 7 या 9 साल उनकी दौरानिया होगा, और वो दौरानिया कैसा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन अपने ख़जाने उगल देगी, ज़मीन अपनी फसलों में से कुछ भी नहीं रोकेगी, सब के सब उगा देगी, और आसमान अपनी बारिश में से सारा का सारा बरसा देगा और कोई भी चीज़ उसमें से नहीं रोकेगा, और ज़मीन भी अपने ख़जाने उगल देगी, सोना चांदी से ज़मीन भर जाएगी, इस कदर खुशहाली होगी कि कोई भी गमगीन और परेशान नहीं रहेगा। तो यानी कि 7 साल, 7 से 9 साल इंतहाई अमन और सुकून के होंगे। तो अगर 7 साल उनकी हुकूमत का कुल दुरानिया है तो उसको 6 साल जंग में अगर आप गुजार दें तो वो 7 साल तो नहीं हो सकते। इसी तरह जो जंग अगर 6 साल चले तो उसके अंदर यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए 6 साल गुजारे हैं तो उसका फिर जो फ्रूट्स हैं उसको भी कम से कम यानी उसके कुछ मल्टीपल्स तो होना चाहिए ना। लेकिन कोई भी रिवायत हमें ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया हो कि जो ग़ज़वा हिंद है या मलहमतुल कुबरा है वो 6 साल चलेगी। दरअसल इन जंगों का दुरानिया, इनका जो इम्पेक्ट होगा मैसिव होगा, जो इनसे लोग नुकसान जिनका हो रहा होगा, जो इसमें लोग मरेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ये इनकी जो ड्यूरेशन है वो इस कदर तवील नहीं होगी। ग़ज़वा हिंद ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 माह चल जाए तो मेरे ख़्याल में तो बहुत तवील वक्त होगा, और अगर आप इसमें मलहमतुल कुबरा भी मिला लें और मुसलमानों का पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को फ़तेह करना भी शामिल कर लें तो 6 महीने और इसके अंदर डाल लें, इससे ज़्यादा ये जंगें नहीं चल सकती मेरे ख्याल में। हाँ, उनका जो प्री कॉन्टेक्स्ट है देखें, वो तो अभी भी चल रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हैं वो झड़पें होती रहती हैं, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे का नुकसान भी होता है जानी और माली। इसी तरह अगर आप मलहमतुल कुबरा की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जो अभी जो इराक़ में जंग हो रही है, इराक़ के ऊपर कब्ज़ा किया गया है, लीबिया है, शाम है, फ़लस्तीन है, यमन है, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो जंगें चल रही हैं, इवन जो यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला है, ये सब के सब वर्ल्ड वॉर 3 का ही प्री कॉन्टेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉर 3 के इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरह अगर आप जो इस तरह के प्री इवेंट्स को ले लें तो फिर तो ये कई सालों पर बात चली जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल वॉर है जिसके अंदर आमने सामने फौजियों होकर घुमसान का रन होता है वो इस कदर तवील नहीं होगा, वो मेरे ख्याल में चंद माह से ज़्यादा बात नहीं होगी। बाकी जहाँ तक मेरी स्टडी है, मैं इस चीज़ को समझ सका हूँ, मैं यही कह सकता हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अकूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।